वेलकम बैक टू वर्चुअल एकेडमी। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन। मैं आपका दोस्त और आपका सर अंकित श्रीवास्तव, साइंस टेक। चलिए, अब हम जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरह केमिकल रिएक्शंस कहाँ पाई जाती है या कहाँ देखने को मिलती है हमें केमिकल रिएक्शंस। और आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि किस तरह केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ दिया, क्योंकि चैप्टर का नाम अगर आप चैप्टर का नाम देखना चाहते हो तो आइए मैं आपको चैप्टर का नाम दिखाता हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो रिएक्शन आपने लास्ट वीडियो में पता चल गया कि ये रिएक्शंस क्या होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रोसेस होती है जो वहां पे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। जैसे अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ कहाँ टेक प्लेस करती है, और वो वीडियोस हमने खत्म करते ही अब हम इस वीडियोस पे आ गए हैं। ये वीडियोस आपको बेसिकली इक्वेशंस के बारे में बताएगा, यानी ये वीडियोस आपको केमिकल इक्वेशंस पढ़ाएगा, केमिकल इक्वेशंस आएगा। चलिए इस वीडियोस की शुरुआत करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए इस वीडियो को अपने तरफ ध्यान से देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अ केमिकल रिएक्शन। इंट्रोडक्शन टू अ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस वीडियो में। और क्या है वो ध्यान से देखें। इंट्रोडक्शन केमिकल, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन मिलेगी, बेसिकली आपने पता पढ़ लिया ही होगा कि केमिस्ट्री एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री इक्वेशंस भी है। सबसे पहले आपने केमिकल रिएक्शंस क्या होता है वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ ली, जब टू और व्हाट इज द डेफिनेशन व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। देखिए, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि केमिस्ट्री एक इक्वेशंस पे चलती है। और यहां भी अभी हम जो इक्वेशन भी पढ़ने जा रहे हैं उस इक्वेशंस के बारे में समझने की कोशिश करिए। तो आइए हम पढ़ने जाते हैं केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये था हमारे पुराने जमाने में केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। ये है हमारे केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका। इसको बोलते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन। यहां साफ साफ अक्षर में लिखा है वर्ड केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस कंबाइन टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह का हम वर्ड्स में पूरा लिखते थे। हम वर्ड्स में पूरा लिखते थे हम लोग उस टाइम पे ना। द सिंपल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, यही सबसे सिंपल फॉर्म था। कि उस जमाने में अगर मैं आपको बोलूं तो उस जमाने में लोग ने सिंबल अभी तक नहीं ढूंढे थे, तो आप उन लोग वर्ड में लिखते थे। हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन को जब मैं कंबाइन कराऊंगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। प्रॉब्लम एक नंबर में आ गई। प्रॉब्लम क्या थी, मैं इंडिया की प्रॉब्लम की एक बात करता हूं। जैसे कि पटेटो, महाराष्ट्र में पटेटो को लोग कोई वटाटा वाड़ा वटाटा बोलते हैं, कोई बटाका बोलता है, कोई आलू बोलता है। जब एक पटेटो का नाम एक सिटी में मतलब एक स्टेट में अलग अलग हो सकता है, तो जरा सोच के देखिए पूरे वर्ल्ड में उस पटेटो के कितने नाम होंगे। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, इतने होंगे कि वी कैन नॉट कैलकुलेट, पता भी नहीं होगा। सो प्रॉब्लम यहां पे आने लग गई कि लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह समझ नहीं रहे थे, क्योंकि वर्ड्स में प्रॉब्लम होता। लोगों ने अब एक नया तरीका ढूंढा, जिस तरह मैं एक नोट्स में भी हमारे है, नोट्स में भी सिंपल है, अ सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द वर्ल्ड इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, वर्ड इक्वेशन। जैसे पूरा ऐसे लिखते थे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलके बनता मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह का स्पेलिंग लिखते थे। प्रॉब्लम आपके सामने पता ही है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मिस्टेक काफी हो रही थी। अलग अलग कंट्री के लैंग्वेज अलग अलग होती है, अब अलग अलग लैंग्वेज में उसको लिखेंगे तो कोई अलग लैंग्वेज में लिखेगा मैग्नीशियम को, कोई अलग लिखेगा। तो उसके लिए उन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला।
ये इक्वेशन जो लिखा है ना उसके लिए उन्होंने वर्ड इक्वेशन फॉर्म किया, उन्होंने वर्ड इक्वेशन फॉर्म किया। ये वर्ड इक्वेशन क्या होता है ध्यान। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे ही व्हेन टू केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर केमिकल रिएक्शन रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब एक चीज और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड जो भी प्लस एरो के लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंस कहते हैं, और जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज, जो मैं अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, मैंने क्या बताया था ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंस कहते हैं और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। ये रही हमारे केमिकल रिएक्शंस को लिखने का आज का न्यू जनरेशन का फॉर्मूला। ये है हमारा केमिकल इक्वेशन लिखने का राइट नाउ का तरीका। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। ओके यही चीज है, आइए देखिए नोट्स प्रेफर करिए। सबसे पहले नोट्स में देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये रहा वो वर्ड इक्वेशन जो मैंने अभी डिस्कशन किया, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। फिर मैंने आपको जैसे पता प्रॉब्लम क्रिएट थे, हमने उसके बाद फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का हमने इक्वेशन बनाया। अब क्या क्या होता है ध्यान सुनिएगा, राइट ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले मैंने आपको रिएक्टेंस और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। एरो की ये साइड वाला रिएक्टेंस होता है, उधर वाला हमेशा प्रोडक्ट होता है। इतनी चीज हो गई फर्स्ट क्लियर। सेकेंड, एरो जो ये एरो बनाया जाता है वो पॉइंटेड करता है। एरो क्या करता है, पॉइंट करता है। क्या पॉइंट करता है, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। एरो देखो लिखा है एन एरो पॉइंटेड टूवर्ड द प्रोडक्ट। ओके प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट, इंसर्ट बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, जैसे कि हमने अभी एक हाइड्रोजन को लिया था और एक लिया था क्लोरीन को, तो ये हमने एक एरो बनाया और यहां लिखा HCl। सिंपल सी बात है, ये है आपका रिएक्टेंस और ये है आपका प्रोडक्ट, और एरो हमेशा रिएक्शंस का डायरेक्शन बताता है। मतलब इन दोनों को मिलाओगे इसका मतलब है कि ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंस है। इतनी बात समझ आ गई है आपको, आइए आगे की बात को देखते हैं। अ सिंगल एरो इंडिकेट द डायरेक्शन विच इज रिएक्शन प्रोसेस, सिंगल एरो, डबल एरो इंडिकेट रिवर्सिबल डायरेक्शन। मैंने अभी तक आपको बताया था, ये आपका क्या बताता है प्रोडक्ट, इस साइड आपका प्रोडक्ट होगा, लेकिन डबल एरो लाइक दिस, ये एरो आपको बताता है रिवर्सिबल। मतलब कि सिंपल सी बात है, ए प्लस बी, और अगर मैं यहां पे ये एरो बना दू और यहां बनेगा ए बी, इसका मतलब है ए प्लस बी को मिलाने से ए बी बनेगा, और ए बी को फर्दर ब्रेक डाउन करने से ए प्लस बी मिलेगा। इसका मतलब, इस साइन का मतलब है रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है, ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा इस लाइन से डबल इंडिकेट क्या करता है। आइए बात करते हैं आगे। अ प्लस साइन इज इंसर्ट बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंस और प्रोडक्ट। ऑब्वियसली रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों के बीच में आ सकता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग का था। देखिए ये प्लस दो रिएक्टेंस के बीच में भी है और ये प्लस प्रोडक्ट के बीच में भी है, तो ये दोनों जगह आ सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने उसमें। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्टेंट्स आर कैरिड आउट बाय अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट। हाँ, रिएक्टेंट्स में आप टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट, ये एक अंडर प्रेशर होता है इन सभी के। सब हर चीज, हर रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो जाता, वहां पे कुछ टेम्परेचर की, कभी टेम्परेचर देना पड़ता है, कभी प्रेशर देना पड़ता है, कभी इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है। कैटलिस्ट क्या है वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। हैंस द कंडीशन आर मैंडेटरी टू द एरो, और उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है।
दूसरी बात करते हैं। द केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड अप द इंफॉर्मेशन बाय द फिजिकल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने अभी डिस्कशन कर ली, फिजिकल स्टेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखिए, यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन गैस रखा है, तो फिजिकल स्टेट यहां पे मैं हाइड्रोजन को गैस लिख दूंगा, समझ आ रही बात। HCl को मैं एक्यूब सॉल्यूशन लिख दूंगा, ओके। क्लोरीन भी एक गैस ही है, तो मैं यहां पे एक और लेके यहां पे हम लोग एक गैस के लिए क्लोरीन लिख देंगे। जब ये दोनों मिलेगी तो एक्यूब सॉल्यूशन बनेगा। आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, मतलब स्टेट बताना, इंडिकेट कर देना अपने स्टेट को कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसेस। जैसे कि मैं अगर बात करूं और चीज की, तो देखिए और चीज की अगर बात करता हूं, ये है आपका कार्बन प्लस ये है आपका ऑक्सीजन, क्या बन गया CO2। तो कार्बन क्या है, कार्बन तो आपका सॉलिड स्टेट है, तो यहाँ पे S लिख दोगे छोटा सा, और ये आपका गैस है और ये आपका एक और गैस है, सुना रही बात। तो इस चीज को बोलते हैं सॉलिड, मतलब कि यहाँ पे आप लिख दो S, यहाँ पे लिख दो आपका G और यहाँ पे लिख दो आपका G। पसंद आ गई आपको ये वाली लाइन का मतलब भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। चलिए, इट्स अ गैस लिबरेट इज रिप्रेजेंट बाय द एयर। अगर कोई गैस निकल रही होगी, अगर कोई गैस निकल रही होगी, जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज पे ये रहा, देखिए जिंक को जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो यहाँ पे H2 गैस निकल रही थी। अगर कोई गैस रिलीज हो रही होगी तो उसको इस एरो से इंडिकेट करेंगे। और फॉर्म प्रेसिपिटेट की बात करें तो नहीं, मैंने एक बात की थी कि प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है याद है, जब वो कोई जो कोई भी चीज घुलती नहीं है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उसमें डाउनवर्ड एरो आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ये आपके केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए ये सब चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसको एज इट इज लर्न करना है, लिखना है, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको पता ही है, आपके पास आपका फेवरेट नंबर है, वर्चुअल एकेडमी का नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी चीज का आंसर एग्जैक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने लिख दिया केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमने बेसिक तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमने एक पहले ये वर्ड यूज किया, फिर ये किया, हमने इसमें ये बताया कि कौन सा रिएक्टेंस है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, वो सारी चीज हमने बता दिया। इस चीज के आगे चलने की कोशिश करते हैं। मैं इस चीज को यहां रखता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस इक्वेशन को देखें, यहां पे हाइड्रोजन के दो एटम्स, यानी ये रहा वन और ये रहा टू, और यहां पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, यहां पे आपके क्लोरीन के, एक मिनट मैं रिप्रेजेंट कर दूं अच्छे से, ओके, यहां पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, मे बी यहां क्लोरीन के आपके दो एटम्स हैं, ये रहा एक और ये रहा दो। अब एरो के वो बाजू देखिए, एरो के उस साइड देखिए, वहां पे आपके एक हाइड्रोजन है, एक एटम, और एक एटम क्लोरीन है। बात समझ में आ गई, ये आपके एटम्स मैंने लिख दिए हैं बहुत ही इजी वे में, मैंने यहाँ पे आपके एटम्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ी होगी, 9th स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि 9th स्टैंडर्ड आपको ये बता रहा था कि जितने भी एटम के मास लेफ्ट साइड होने चाहिए उतने ही एटम के मास राइट साइड होने चाहिए। तो आपसे मैं इतना पूछना चाहता हूं, जस्ट मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों सही हैं? क्या यहां पे LHS साइड जितने मास हैं, क्या वही RHS साइड उतने ही एटॉम के मास हैं? आपसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या ये उतने मास हैं?
तो आपका आंसर होगा नहीं। नहीं है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मास हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन के आपके दो मास हैं, यहाँ क्लोरीन के आपके दो मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे आपके हाइड्रोजन एक और क्लोरीन एक, तो अन्याय है। यानी कि ये बैलेंस, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो तो अनबैलेंस हो गई। ये जो भी इक्वेशंस हैं वो अनबैलेंस हो गई है, ये जो भी इक्वेशंस हैं आपके अनबैलेंस हो चुकी है। तो सर बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बैलेंस की डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए। ये है आपके बैलेंस की डेफिनेशन। क्या है बैलेंस की डेफिनेशन, ध्यान सुनिए। बैलेंस इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। देखिएगा, सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। ये रहा एरो, बोथ साइड मतलब ये साइड और ये साइड, कैसे हो रहे, सेम नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम। ईच टाइप मतलब यहाँ हाइड्रोजन दो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन दो होना चाहिए, यहाँ क्लोरीन दो है तो यहाँ भी क्लोरीन दो होना चाहिए, तो तभी जाकर ये इक्वेशन बैलेंस होगा। तो राइट नाउ तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, हमें यहाँ इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। तो आइए अब हम इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम थे, ये रहे दो और ये रहे दो, यहाँ क्लोरीन आपके दो थे, ये रहे एक और ये रहे दो, मैंने यहाँ पे दो दो कर दिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक आपका क्लोरीन था, एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपका क्लोरीन था। ऑब्वियसली ये इक्वेशंस तो बैलेंस तो होने से रहे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो अनबैलेंस, ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन, ये अनबैलेंस। आइए इसको बैलेंस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और क्लोरीन डाल दूं और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन डाल दूं, तो क्या, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस इक्वेशंस है या बैलेंस इक्वेशन नहीं है। आपके सामने एग्जांपल में चेक कर लेते हैं बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। देखिए, ये है आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में दो, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है दो और आपका क्लोरीन भी है दो, और ये एरो के बाद आपके यहाँ पे देखते हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी हाइड्रोजन आपका दो है और यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ भी क्लोरीन आपका दो है, तो आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड किया और एक क्लोरीन ऐड किया, यानी यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ेगा। टू मतलब क्या हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड हो गया है। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो क्लोरीन है, ये चीज, अब ये इक्वेशन हो गई है कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, आपने बैलेंस करी है, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, कितने बच्चों ने ये एग्जांपल तो हो गया, आइए एक और एग्जांपल को ट्राई करते हैं, इसी तरह एक बैलेंस इक्वेशन को और एक ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इन सभी चीज को हम साइड हटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक और, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे NH3। ऑब्वियसली ये कैसा इक्वेशन है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। आइए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितने नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो कम है। अच्छा, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यानी यहाँ हमें दो नाइट्रोजन करने होंगे, तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मुझे दो नाइट्रोजन करने होंगे ना, तो यहाँ पे मैंने दो लिख दिया। अब देखिए नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन दो हो गया ना, दो हो गया, दो रेजी। प्रॉब्लम ये है कि जो ये नाइट्रोजन का दो हुआ, पर ये इनफैक्टली इसका भी हो जाएगा,
यानी कि हाइड्रोजन अब हो गए आपके थ्री, नो तीन थे ना आपके हाइड्रोजन, अब वो तीन में से हो गए थ्री डोजा सिक्स हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस, देखिए नाइट्रोजन तो बैलेंस हो चुका है कंप्लीटली, नाइट्रोजन आराम से बैलेंस हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन की सीरीज हिल चुकी है। यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्स है और यहाँ हाइड्रोजन टू है। अगर मैं यहाँ पे थ्री लिख दूं तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपका सिक्स। अब हम जरा चेक करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन टू है, वेरी गुड। यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू, वेरी 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 गुड। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिक्स है, वेरी गुड। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, यहाँ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिक्स, वेरी गुड। ये आपका कैसा हो गया, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन हो गया, वेरी इजी। आइए एक और क्वेश्चन को ध्यान में देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिए। बैलेंस करना है दोनों जगह, बैलेंस इक्वेशंस करना जरूरी है। आइए हम एक बैलेंस इक्वेशन और करने की कोशिश करते हैं, देखिए। ओके अगर मैं बोलूं यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहां पे तो आपके दो हाइड्रोजन है, कितना इजी है सर। अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं सर, यहाँ तो ऑक्सीजन आपके दो हैं, दो एटम है ऑक्सीजन के। अच्छा और कितने ऑक्सीजन साइड में है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ओके यहाँ आपके दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहे आपके और एक हाइड्रोजन आपके कहाँ चले गए, हाइड्रोजन हमारे ये रहे, आपके एक और हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, हमारे एक ऑक्सीजन है हमारा यहाँ, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कर दो, सिंपल। अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, एलएचएस एनएचएस ध्यान से देखिए और जरा मुझे बताइए क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। तो तुम्हारा आंसर होगा सर ये तो ये है। मैं पूछूंगा क्यों है ये, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सिर्फ दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब तो ये है कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, तो सर मुझे यहाँ बैलेंस कर दीजिए। आइए करते हैं बैलेंस, चलिए सिंपल सा। कोई लोगों के मन, अब आप करोगे क्या, बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस करते हैं। आइए इसको जरा पेपर्स में देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मे बी शायद आपको आ जाए समझ। चलिए देखिए, ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा आपका ऑक्सीजन और यहां पे H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन तो अगर मैं इसका टिक फॉर टैक मेथड करूँ, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे एक है, बस हमारी। अभी कितने लोग बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो कर दीजिए और यहाँ भी दो हो गया, इक्वेशन हो गया दो दो। गलत, आप ध्यान सुने, H2O यहां आप कभी कुछ भी नहीं लगाओगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा H2O होता है। यहां पे आप कोई भी इक्वेशंस को नहीं करोगे, बात समझ आ रही है, समझ में आ रही है। तो मैं अगर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, इसको निकाल देते हैं, इस इक्वेशंस को मैंने लिख लिया है, देखिए इक्वेशन क्या था हमारा, हमारा बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था। वो क्या था इक्वेशन हमारा, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे H2 था और यहाँ पे O2 था और इसको इक्वेशन करके H2, सिंपल सी, इस साइड है आपका कितना हाइड्रोजन, दो, और इस साइड आपके हैं दो ऑक्सीजन, इस साइड आपके हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन है एक। पहले सही है, यहाँ मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहां मुझे चाहिए दो ऑक्सीजन, पर मैं दो यहां नहीं लिख सकता, याद रखना H2O में यहां मैं दो नहीं लिख सकता, आप कोई भी चीज यहां नहीं लिख सकते, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफ यू।
आपको जो भी लिखना होगा आगे के बॉक्स में ही लिखना होगा, आप नीचे कुछ भी नहीं लिख सकते, समझा? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो H2O ही होते हैं ना, आप यहाँ लिख के ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, गलत है, जो भी लिखोगे आप यहाँ लिखोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मैं आपको दो चाहिए, यानी मैं अगर यहाँ 2 लिखता हूँ तो अब देखिए ये 2 इसको भी मिलेगा और ये 2 इसको मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन हो गए आपके 4 और ऑक्सीजन आपके हो गए 2। अब इस साइड आते हैं, ये साइड देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब देखिए 2H2O यानी यहाँ पे हो गए आपके 4, तो हाइड्रोजन 4 यहाँ, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पर 2, इस तरह ये इक्वेशन हो गया है बैलेंस्ड इक्वेशन। थैंक यू, इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। यहां तक आप करिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको अब इसके अभी पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व करिए, उन सभी को मुझे कल बैलेंस करके दिखाइए। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए, ये तो लॉजिकल मेथड था जिसको टिक फॉर टैक कहते हैं, यानी कि दिमाग से आपको इसको सॉल्व करना होता है, इसको टिक फॉर टैक मेथड कहते हैं, यानी कि अपने दिमाग से इसको सॉर्ट आउट या शॉर्ट ब्रेन्स करिए। आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ, वो एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है और उसको करने के तरीके मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आयरन को लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक पेज दे लेता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैलेंस इक्वेशंस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप आयरन ले लीजिए, यानी कि आयरन होता है Fe, उसमें आप आयरन में मिला दीजिए आप वाटर H2O, आयरन को वाटर मिला दीजिए H2O, आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और H2 गैस लिबरेट होगा, H2 गैस बाहर निकलेगा, H2 गैस बाहर निकले, ये आपका इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं सर, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आइए पहले हम इसको टिक फॉर टैक मेथड से करते हैं, बाद में हम उसको मैं आपको एक